यहाँ नेटवर्क भी नहीं आ रहा है कि हम लोग अगर नेटवर्क आ रहा होता है यूट्यूब पे देख ले कि हाथी से बचने का क्या उपाय है। इतने टाइम बाद आज मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, ऐसा लग रहा है पता नहीं कितने साल बाद वीडियो बना रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, वेलकम टू माय चैनल वर्गोनिक। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। इतने टाइम तो लॉकडाउन में घर रहेगा, बहुत मोटे से बहुत पतले से हो गए होंगे कुछ लोग जैसे मैं। तो आज बहुत टाइम बाद आज मैं एक वीडियो बना रहा हूँ और आज मेरा प्लान है कहीं ना कहीं जाने का। अब वो देखते हैं कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम जाएंगे इससे और पता नहीं कहाँ जाएंगे, देखते हैं कहाँ जाएंगे और क्या होता है। यहाँ नेटवर्क भी नहीं आ रहा है कि हम लोग अगर नेटवर्क आ रहा होता है यूट्यूब पे देख ले कि हाथी से बचने का क्या उपाय है। एक बार जो मैंने हाथी देख लिया ना तो फिर वहां रुकता नहीं हूँ, भाग जाता हूँ, जूते उतार के भागता हूँ जिससे हाथी को निकालने मिले। चलिए आगे देखते हैं। हेलो, Old walls that I built for you just to dig me out with silver spoons. No, I didn't see it coming. Oh, old walls that I'm stuck inside. I guess beauty sees what I can't find. I didn't, no, I didn't see it coming. Well, I got your code and I got your message. I want you to know that you are the love of my life, the love of my life. You never leave when the song is over. You ride or die till the end. You're the love of my life. You're the love of my life, my life. Oh. Coming, oh, old walls that I
तो मैं 5 किलोमीटर और फाइनली जंगल खत्म होते हुए हम शहर की तरफ निकल आए हैं। बोर्ड बाबा बोर्ड और जंगल की सफारी के लिए मजा आ गया। बोर्ड के लिए करो, बोर्ड पे खींचो। देखो ये बाढ़ लगा रखी बिजली वाली, और रात को बिजली चालू होती यहाँ का। बिलो और ये यहाँ का एक गांव है, और जो पीछे वाला जंगल था वो इतना खतरनाक जंगल था कि मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे खुद नहीं पता कितना खतरनाक था। देखो सही बात तो यही है। चलो बस बहुत यार, वहाँ से लोकेशन आ रही थी इसकी कानिक भाई। कहाँ पर है तुम? वहाँ से आ रही है ना, बिल्कुल चढ़ाई। आप लोगों ने जो देखा वो नेशनल कॉर्बेट पार्क का जंगल था, और जंगल में हमें मिला तो कुछ नहीं, मगर आज लेकिन एक जंगल सफारी में मजा आ गया। और हम मेरे पीछे बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं ये आगे जाके वहाँ पे झरना गेट है, जो कि कॉर्बेट नेशनल पार्क का एक गेट है। लॉकडाउन के बाद इतने टाइम बाद आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये आप आशा करता हूँ अगली वाली जो हमारी व्लॉग आएगा किसी नई सवारी के साथ। जी हाँ, मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा कि मैं किससे बनाने वाला हूँ। और अब हम यहाँ से जाएंगे घर। और आज का जो हमारा दिन था बहुत मज़ेदार रहा, डरावना था। वहाँ एक आदमी ने हमें बताया भी कि यहाँ पर भी कुछ दिन पहले हाथी ने एक को मारा, तो इस वजह से डर भी लग रहा था और मज़ा भी आ रहा था गाड़ी चलाने में। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय। बूम। Oh,